हरियाणा जननायक जनता पार्टी के फरीदाबाद विधानसभा से उम्मीदवार कुलदीप तेवतिया का कहना है कि वो विधानसभा के विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप ने R9 टीवी से खास बातचीत की है। हरियाणा की सत्ता का काउंटडाउन चालू हो चुका है। सत्ता जल्द ही उस पार्टी को मिलेगी जो यहाँ पे बहुमत से आएगा। हमारे साथ अभी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सेक्टर 89 फरीदाबाद से कुलदीप तेवतिया जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और किस तरह से अपनी बात जनता के बीच में रखें। अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना करके 5 साल रही है, उन्होंने इस 5 साल के अंदर कुछ काम नहीं किया। आज जो हमारे युवा वर्ग हैं इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, 15 लाख से ज़्यादा आज हमारे युवा वर्ग जो ना बेरोजगार हैं। इसका कारण बीजेपी सरकार का आना, इन्होंने नोटबंदी करी, इन्होंने आज जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन जो जिस तरह से पहले जिस तरह से घर घर जाकर के पेंशन मिलती थी इन्होंने वो उनकी बंद कर दी। कई इतने बुजुर्ग जिस टाइम में इन्होंने पेंशन बंद की थी तो कई इतने बुजुर्ग थे जो परेशान हुए बेचारे, और बैंकों से इन्होंने जैसे लिंक कर दिया था कि बैंकों में आपके खाते में पेंशन आएगी, वो 1 साल तक सभी बुजुर्ग इतने परेशान रहे, बैंकों में जाते थे, धक्के खाते थे, बैंक वाले भी उन्हें धुतकार के भगा दिया करते थे कि जाइए आपकी कोई पेंशन नहीं आई इधर। ये एक बुजुर्ग से बोलने का ये तमीज़ है? ये सरकार इस तरह के काम कर रही है जो बुजुर्गों को अपने को परेशान कर रही है? और रही आज जो अपने आम जनता की समस्याएं, और भी ज़्यादा जैसे सड़कें हैं, सीवर लाइन है, नालियाँ हैं, आज इन्होंने क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। ये कहते हैं 2000, ये कहता है अपना जो उद्योग मंत्री है मैंने 2000 करोड़ रुपए से ऊपर के ज़्यादा काम कर दिए। कहाँ है वो काम? एक बार दिखाए तो सही, हमें भी कहाँ है 2000 रुपए के? अब मुझे अगर जो 500 करोड़ रुपए सरकार मेरी दे दे ना इस विधानसभा को चमकाने के लिए तो मैं 500 करोड़ रुपए में चमका दूंगा इस विधानसभा को। 2000 करोड़ 1500 करोड़ रुपए तो खा लिए इन्होंने, और इन्होंने 100-200 करोड़ रुपए काम किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो एक जो है ना एक भेड़िए बैठे हैं भूखे, आम जनता के खून को चूसने के लिए एक जो पानी में नहीं घूमती है जोक बोलते हैं जोक, वो इस तरह की जोक हैं आम जनता के खून को चूसने हैं बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ इस तरह की हमारी जो आम जनता है इस तरह की जो ना ये सरकार को यहाँ से अपना एक जमुना पार है जो जमुना पार वहाँ पे छोड़ के आना चाहिए। लेकिन जैसा देखा गया है कि उद्योग मंत्री विपुल गोयल दावे करते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री आई है, IMT बना है और शहर का पूरा विकास हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? कौन कहता है IMT बना है? ये क्या बीजेपी सरकार में IMT बनी है? ये IMT तो इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है उसमें उस दौरान में ये पास किया गया था। और ये आप ही देख सकते हैं इस बात को कि IMT बीजेपी ने बनाई है या इससे पहले जो सरकार थी उसने बनाई है IMT। ये तो जुमलेबाज है, झूठे हैं। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर पब्लिक को लूट रहे हैं। क्या किया आज तक स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने? कुछ नहीं किया, बिल्कुल पब्लिक को गुमराह किया है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। आज जो इन्होंने कहा था भाई मदर यूनिट बड़ा शोर मचाया था उन्होंने मदर यूनिट के नाम पर, कहाँ है वो मदर यूनिट? अभी हमारी सरकार आएगी देखना, हम जो स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे और मदर यूनिट भी हम लगाएंगे लोगों के लिए, जिससे को आम जनता को सभी को रोजगार भी मिल सके और उनका जो ना खुशहाल जीवन अपना रह सके आगे। ये थे हमारे साथ कुलदीप तेवतिया, जिनका दावा है कि जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो सत्ता में आएंगे और मूलभूत सुविधाओं से पूरा कार्य करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। नरेंद्र शर्मा R9 TV के लिए फरीदाबाद।